ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नंबर 7 वीडियो जो मैं 10 एक्सप्रेशन या 10 सेंटेंसेस किसी भी वर्ड के ऊपर या एक्सप्रेशंस के ऊपर मैं बात करता हूँ, उसकी पूरी सीरीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। उसके ऊपर आज मैंने आल्सो बी के लिए, जब आप कहते हैं ये वाला और ये वाला और ये भी, ठीक है, के लिए आप इस्तेमाल करते, तो आल्सो अकेला एक वर्ड नहीं है। इसी बात को कहने के लिए बहुत सारे और एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिनमें से ज़्यादा पॉपुलर और आसान वाले जो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं, वो मैंने आज की वीडियो में उनमें से 10 को शामिल किया है। इस तरह की पूरी सीरीज़ मैं देता हूँ जिसका लिंक यहाँ पर मौजूद है। अगर आप बाय चांस ये वीडियो पहली बार पर देख रहे हैं तो वहाँ से पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं, 10 सेंटेंसेज ऑन कॉमन इडियम्स एंड एक्सप्रेशंस इसके ऊपर। और मेरा नाम अकमल है और आप ये वीडियो द स्किल सेट्स के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। मुझे अकमल अंग्रेज़ी वाला के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर। और आप अगर बाय चांस ये वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो नीचे सुरख रंग का एक बटन आ रहा है वीडियो के नीचे, और 7 घंटी आ रही है, उसे दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको मालूम हो कि हमने नई वीडियो डाली है और आप उसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप ये पहले कर चुके हैं तो लीव इट और थम्स अप कर दीजिए, बटन ग्रीन ब्लू कर दीजिए ताकि आप बाकी लोगों को भी फायदा हो। तो चलें हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और 10 बी वाले बात करने के लिए 10 और एक्सप्रेशन आल्सो के अलावा मैं दे रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैंने रैंडमली यूज़ किए हैं, कोई खासो आम के हिसाब से नहीं किया, रैंडमली किया, उसके लिए मैं अलग वीडियो शुरू करूँगा। मैंने रैंडमली किया, पहला मैंने जो किया है अलॉन्ग विद, इसके साथ साथ। तुम वो खा रहे हो तो इसके साथ साथ ये भी खा के देखो, तुम वो पढ़ रहे हो तो अलॉन्ग विद दैट रीड दिस, यू आर गोइंग देयर अलॉन्ग विद दैट टेक मी विद यू एज, ठीक है, यू आर बाइंग दिस, बाय दिस अलॉन्ग विद, ये भी उसके साथ खरीद लो अलॉन्ग विद, ठीक है। ये बी के लिए नंबर 2 पर मैंने शामिल किया इन एडिशन, उसके अलावा ये भी, पहले जो बात कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो खरीद रहे हो, जो कर रहे हो, जो खा रहे हो, वो भी इन एडिशन, उसके अलावा इजाफी तौर पर ये भी देख लो इन एडिशन। नंबर 3 पर मैंने यह है फर्दर मोर, इसके अलावा ये भी एक बात जहन में रखने की है, तुम वो बातें जो कर रहे हो, दैट इज़ गुड, ये भी ठीक है, फर्दर मोर एक मेरी राय भी ले लीजिए, बी ले लीजिए, फर्दर मोर एक ये भी शामिल कर लीजिए। नंबर 4 पर मैंने किया लाइक वाइज, जैसे पहले बात हो रही थी उस तरह ये भी एक बात, लाइक विल, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर भी हम कह सकते थे, तो इसमें हमने इसमें भी शामिल कर लिया लाइक वाइज, ये भी तो एक बात है, जैसे वो बात है, ये भी एक बात है, जैसे वो किताब है, ये किताब है, तो ये भी तो एक किताब है, जैसे वो खाना पसंद करते हो, लाइक वाइज यू कैन लाइक दिस वन एज लाइक वाइज। नंबर 5 पर इसमें जो सेंटेंस है वो है अलॉन्ग विद, उसके साथ साथ, लाइक वाइज की तरह, इन एडिशन की तरह, ये उसी वही बात है, इन एडिशन या अलॉन्ग विद एक ही बात है, ठीक है, लाइक वाइज मतलब एक ही है लेकिन एक्सप्रेशन एक नया है। नंबर 6 पर मैंने शामिल किया टुगेदर विद, इसके साथ साथ, जो तुम वो कर रहे हो इसके साथ साथ ये भी, देखें बार पर हम जोर क्या दे रहे हैं, बी टुगेदर विद, इसके साथ साथ ये भी, ये खाओ टुगेदर विद, ये भी खाओ, वहाँ जाओ टुगेदर विद, वहाँ भी जाओ, उसको भी साथ लो, टुगेदर विद मुझे भी साथ लो, टेक मी विद यू। तो नंबर 7 पर इन लाइक मैनर, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप करें, बिल्कुल उसी तरह मैं भी यही बात करूं, तुम कह रहे हो कि वहाँ जाना चाहिए, लाइक वाइज आए, इन द लाइक मैनर मैं भी यही करूं, तुम ये कह रहे हो ऐसे ऐसे करना चाहिए, लाइक इन द लाइक मैनर मैं भी यही कह रहा हूं, बी यही करूं, बी इसके लिए हम कर रहे हैं। नंबर 8 पर जो हमने शामिल किया वो है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन है, इन कंजंक्शन विद, इसके साथ साथ, इसके जोड़ में, इसके साथ ये बात भी जोड़ लो, तुम वो बात कर रहे हो इसके साथ ये बात भी जोड़ लो, तुम वो खा रहे हो इसके साथ ये भी खा लो, तुम वो पढ़ रहे हो इसके साथ ये भी पढ़ लो, इन कंजंक्शन विद, ईट दैट इन कंजंक्शन विद दिस, डू दैट इन कंजंक्शन विद दिस, वो भी करो और ये भी करो, वो काम करो और उसके साथ ये भी करो, इन कंजंक्शन विद। नंबर 9 पर है मोर ओवर, इसके अलावा ये भी तो बात है, तुम वो कह रहे हो, वो कह रहे हो, इसके अलावा ये भी तो बात है, तुम वो खा रहे हो, मोर ओवर ये भी एक बात है, तुम यो सोचो, मोर ओवर ये भी ध्यान करो, मोर ओवर। नंबर 10 और इसमें लास्ट जो मैंने किया है वो है इंक्लूडिंग, इसके साथ ये भी तो बात शामिल है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, वो बात सच है, वो बात भी सच है, इंक्लूडिंग दिस, ये बात भी उसमें सच है, ये किताब अच्छी है, ये किताब भी अच्छी है, इंक्लूडिंग दिस बुक, इस किताब के साथ साथ
बाकी भी अच्छी हैं इंक्लूडिंग दिस, इस किताब के साथ साथ। तो मैंने ये 10 एक्सप्रेशन आपको दिया बी के लिए, लेकिन ये इस तरह के वर्ड्स और इडियम्स और एक्सप्रेशन की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, लंबी लिस्ट होती जा रही है वक्त के साथ साथ, तो आप इसको यहाँ से देखा कीजिए ताकि आपको पूरी लिस्ट मिले और यहाँ से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। सीखने वाले बहुत कुछ सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, और अगर आप चाहें कि कम वक्त में टू द पॉइंट आप ए टू जी एची बीची हर चीज़ की बाल की खाल उतार के अंग्रेजी गुरु के हमारे दरमियान में क्या फ़र्क है, क्या समझ बूझ है, वो सारी समझना चाहें तो टेक अ विजिट ऑन माई फुल कोर्स, यहाँ पर उसका लिंक आ रहा है, उसका जाके लॉगिन कीजिए, डेमो देखिए। वहाँ पर ऐसी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ जो यूट्यूब पर मैं नहीं सिखाऊँ पाऊँगा, और बहुत सारे डेमोज के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। तो बी के ऊपर आपके पास कौन से वर्ड्स हैं इसके अलावा जो मैंने यूज़ किए, वो नीचे कॉमेंट्स में आप वन बाई वन डालिए, और आप किन टॉपिक्स पर चाहेंगे कि मैं वीडियोस बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। शुड यू नीड एनी हेल्प, हमारे नंबर नीचे आ रहे हैं, आप हमसे रब्ता कीजिए। आपको मशवरा करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो वी आर देयर। और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा।